हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट बैंकिंग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप ऑनलाइन अपना वोटर आईडी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर आईडी ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर इससे लिंक्ड होना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि आप अपना ऑनलाइन वोटर आईडी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च बार में वोटर कार्ड डाल के सर्च कर देना है। उसके बाद आपको voterportal.eci.gov.in इस वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है यहाँ पर, और उसके बाद कैप्चा कोड एंटर कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर कर देना है और अपना पासवर्ड सेट कर देना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपने जो अभी अपना मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपका साइनअप कम्प्लीट हो जाएगा। अब आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ई एपिक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एपिक नंबर या फॉर्म रेफरेंस नंबर डालना होगा। एपिक नंबर मतलब आपका वोटर आईडी नंबर होगा। अगर आपने न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपको फॉर्म रेफरेंस नंबर मिलता है, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। एपिक नंबर और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आपके वोटर आईडी का डिटेल्स दिख जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी से लिंक नहीं है तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होता है। अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको डाउनलोड ई ईपिक का ऑप्शन दिखने लगेगा यहाँ पर। आपको वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कुछ ऐसा दिखेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।